हेलो नमस्कार, कैसे हैं हम सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और हमेशा की तरह हर बार रेल बुलेटिन, आज फिर से एक रेल बुलेटिन के साथ आए हैं। तो कल का रेल बुलेटिन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो लोग भी अपने साथ में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जम्मू से जुड़े हुए हैं, वो भी एक बार कमेंट करके और अपनी राय दे सकते हैं। और इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो आगे शेयर कीजिए। कुछ भी आपको ऐसा वैल्यूबल फीडबैक मिलता है तो आप इसको ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा, और ग्रुप में या फिर कमेंट करके आप अपना उत्तर भी दे सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। तो हर बार की तरह ना लेट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस बार हम आते हैं रेल बुलेटिन पे, हांसी मेहम रोहतक, जो रेल प्रोजेक्ट है उस पर। तो हांसी मेहम के बीच में जो रेलवे लाइन है, ये अभी कंप्लीशन की तरफ है। लोगों ने इस पर मुझे डिमांड दी थी कि इस पर भी एक रेल बुलेटिन बनाया जाना चाहिए। तो एक बार मैंने पहले भी बनाया था, आज फिर से बना दे रहा हूँ। तो अभी सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैंने पहले रेल बुलेटिन बनाया था तो इस पर कोई ऐसी खास प्रोग्रेस नहीं थी। फिर कहीं सिर्फ कई जगह छोटी छोटी लाइनें डली हुई थी, कोई ऐसा खास अर्थवर्क नहीं था। लेकिन अभी गुड टू सी कि काफ़ी हद तक काम पूरा हो चुका है। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको बता देते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन हुआ है 2013 में, और इसकी लास्ट डेडलाइन 2021 थी। मतलब अभी जो काम चल रहा है उसकी डेडलाइन तो वो तो लगातार बढ़ती रहती है कि अगस्त तक पूरा हो जाएगा या सितंबर तक पूरा हो जाएगा। अधिकारियों की बात के अलावा जो स्टार्टिंग प्रोजेक्ट के टाइम पे इसकी जो डेडलाइन दी हुई थी वो 2021 दी हुई थी, मार्च 2021, ठीक है। लेकिन ये काम पूरा नहीं कर पाए, उसके बाद इसमें आगे बढ़ते चले गए और अभी 2021 के बाद जाकर इसमें इनकी नींद टूटी है और अब जाकर इन्होंने इस पर काम शुरू किया है। तो इसमें टोटल 5 स्टेशन हैं जो जो कि इस तरह से हैं: गढ़ी, मुंडाल, मदीना, बलम्भा, खरकड़ा और बहु अकबरपुर। ये इसमें 5 स्टेशन हैं। और इसका छोटा सा मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। इसकी घोषणा, लाइन की घोषणा 2011 में हुई थी, बजट में इसको ऐड नहीं किया था। 2011 में घोषणा होने के बाद इस पर लगातार जद्दोजहद चलती रही कि क्या ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है नहीं है, इस पर क्या बेनिफिशियल होगा, क्या इसमें बेनिफिट्स होंगे, क्या ये लाइन इतनी कमा कर दे पाएगी जितनी इसमें लागत लग रही है। तो उसके बाद इसका शिलान्यास हुआ 2013 में। उसके बाद फिर इसका जो जमीन अधिग्रहण होता है 2014 से शुरू होता है। जमीन अधिग्रहण में इसमें इतने ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि अलग अल्टीमेट लेवल पर जाकर लोगों ने धरना प्रदर्शन करके कई जगह जमीन अधिग्रहण रुकवाया है और कई जगह जमीन अधिग्रहण इन्होंने चालू कराया है। क्योंकि जिन्होंने रुकवाया है वो अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनकी लाइन के बीच से ऐसी कुछ दिक्कतें होंगी कि इनके ज़मीन के बीच में से लाइन निकल रही है तो आधी ज़मीन इधर आधी ज़मीन उधर, किसी की कुछ भी नहीं बच रहा। तो मतलब एक तरह से काफ़ी हद तक नुकसान था। और जो ज़मीन देना चाहते थे, जो ज़मीन अधिग्रहण का सपोर्ट कर रहे थे, उनको ये था कि हमारी इतनी ज़मीन जा रही है, इतनी हमारे पास में बच जाएगी, इसका हमको जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए ताकि वो और आगे कहीं इन्वेस्ट कर सकें। तो ये चीज़ थी। तो 2014 से ज़मीन अधिग्रहण होते होते इसकी ज़मीन अधिग्रहण लगभग 2017 तक हुई है। ज़मीन अधिग्रहण इसका हांसी में हम रोहतक के बीच में जो भी हुआ है, तो शुरुआत में जब 2013 में ये इसका शिलान्यास हुआ था तो उस टाइम पे इसकी लागत 287 करोड़ थी। 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, अब से करीब 10 साल पहले की। तो इसकी लागत फिलहाल वर्तमान में 694 करोड़ हुई है, जो कि उन्होंने आंकी है कि अब तक खर्चा कितना हो चुका है। तो 694 करोड़ इसकी लागत थी, लेकिन जितना इसका लगातार एक्सपेंडिचर बढ़ता गया तो उतना उतना इस पर खर्चा भी बढ़ता गया। तो उसके बाद इसकी जो मंजूर राशि है 755 करोड़ है। 755 करोड़ इसमें अब तक लग जाने की संभावना है, क्योंकि जो इन्होंने पहले जो डिसाइड किया था कि यहाँ इतने स्टेशन बनेंगे, यहाँ ये डिज़ाइन आएगा इसी तरीके से। तो पुराने टाइम में क्या था कि रेलवे के सिग्नल प्रणाली और रेलवे की जो रेलवे लाइंस हैं और उसके बाद उसमें जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर हैं कि इसमें बैटरी इन्वर्टर रूम इतने हैं, इसमें बिल्डिंग के रूम में स्टेशन मास्टर का ये रूम है, पैनल में ये सेट होगा, मतलब काफ़ी ऐसी तकनीकी चीज़ें हैं जो वो लोग पहले सेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जाकर उन्होंने देखा कि
समय के साथ साथ जब तकनीक अपग्रेड होती है तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो यही प्रोजेक्ट फिर 287 करोड़ से अब जाकर 755 करोड़ तक इसकी मंजूर राशि हुई है। तो अभी इस पर लगातार खर्चा चल भी रहा है। अच्छी बात यह है कि इसका CRS हो चुका है, गढ़ी मुंडाल वगैरह ये जगह इसका CRS हो चुका है। लेकिन CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो AK शर्मा जी हैं, उन्होंने इस CRS में रेलवे की जम के धज्जियाँ उड़ाई हैं कि आप लोगों के स्तर पर बहुत छोटी छोटी एक बहुत नॉमिनल सी इतनी कमियां आप दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जैसे रेलवे का जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं बना है, कई जगह बहुत मतलब जो जालियां लगी होती हैं प्लेटफॉर्म के साइडिंग में ऑफ साइड जाने के लिए वो बहुत कमज़ोर हैं, उनको अगर कोई धक्का मार के गिरा देगा तो वैसे ही टूट जाएंगे। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो CRS को खामियां मिली। और इसके साथ साथ में रेलवे स्टेशन मास्टर के रूम में पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, तो वो वहाँ बैठेगा कैसे? बैटरी इन्वर्टर वगैरह रूम में और सिग्नलिंग रूम में, वहाँ पर आधे से ज़्यादा सिग्नल ही नहीं चल रहे थे। और अगर उन रेलवे अधिकारियों से जब जवाब मांगा गया तो CRS साहब को कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे कि हाँ वो सेटिस्फाई हो सकें कि हाँ ये सही बोल रहा है। तो उन्होंने इसको जल्दी से जल्दी निस्तारित करने के लिए कहा, नहीं तो आगे फिर वो कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। उसके बाद अभी CRS इसमें हो चुका है, 110 की स्पीड पर इस पर CRS कंप्लीट हो चुका है, 100 की स्पीड पर इस पर गाड़ियाँ चलेंगी फिलहाल शुरुआती टाइम पे, और 95% इस पर काम हो चुका है। तो आगे लगातार जो भी कोई अपडेट होगी इस पर आपको देते रहेंगे। और अपडेट के साथ साथ में मेरी गुजारिश है आपसे कि आप चैनल को देख रहे हैं, चैनल पर आ रहे हैं लगातार, बहुत अच्छी बात है। आप इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों के लिए हर संडे 8 बजे रेल बुलेटिन होता है, तो उसको उसमें भी आप ज़रूर रहिएगा। आप आएँ अपने फ्रेंड्स, अपने जो रिलेशन में अपने फैमिली के साथ ज़रूर आइए। किसी का कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जगह के बारे में पूछा, रेलवे के अंदर टेक्निकली कि अगर कुछ ऐसा है तो टेक्निकली भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट हमारे पास डिमांड इतनी ज़्यादा आ रही है कि हम डिमांड का ओनली 45% ही अब तक अचीव कर पाए हैं। इसलिए मुझे लगातार डेली रेल बुलेटिन में अगर मैं बनाता हूँ तब भी मैं लगातार इतनी डिमांड अचीव नहीं कर पाऊँगा। और हम आज से ही रेलवे विकीपीडिया करके हमने एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, रेल विकी। तो उसमें हम गाड़ियों के बारे में भी नॉलेज देंगे, उसके साथ और भी ऐसे कई रेल बुलेटिन्स हैं जो हम थोड़ा ऑफ साइड जाके रेलवे के अंदर थोड़ा घुसने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको ये जानकारी देने की कोशिश करेंगे, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। कोई भी ऐसी इंक्वायरी होती होती है, कुछ भी ऐसा आपको पूछना होता है, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। लाइव सेशन में आइए, हर हर संडे रात 8 बजे आप वहाँ पर आके पूछ सकते हैं, अपनी डिमांड नोटिस करा सकते हैं। और जो भी आपका कुछ ऐसा कुछ भी ऐसे डाउट्स हैं आप ज़रूर उनको दूर कर सकते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। अपना सभी ध्यान रखिएगा।